ए, ये क्या कर रही हो? उनसे शर्मा रही हो? ए, चलो अपनी आंखें बंद करो। तुम मेरे बिना इतना उदास हो जाती हो, अब मैं पास आ रहा हूँ तो इतना दूर भाग रही हो। आ जाओ मेरी बाहों में। नमस्कार साहब। नमस्कार, तुम लोग सब ठीक हो? आपकी दया से सब कुछ ठीक है साहब। मैंने कुछ नहीं किया, सब परमेश्वर की। कोई भी आए, भगवान की दया से सुबह की बोनी मेरे लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं सुबह की बोनी पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा रुक जाओ। आगे इंग्लिश बाबू। नमस्ते साहब। नमस्कार, ये पैसे ले लीजिए। चलो, आप तो पैसा देकर फूल ले रहे हो। कुछ लोग तो फूल लेते हैं और पैसा भी नहीं देते। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। क्यों बहन, तुम्हारा पति ठीक है ना? आपकी दया से अच्छा है साहब। आपके जैसा अगर हर कोई सोचे तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। क्यों, क्या हो गया? देख लीजिए उधर आप। आप ही देखो ना, चोरी करके पानी कैसे चुपचाप ले जा रहा है। ए, क्या बोली तू? मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्या बोली? अरे भाई सुनो, इससे गलती हो गई, तुम इसे माफ कर दो प्लीज। ए, पुलिस है तो पुलिस का काम कर जा। तू क्या बोली? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तूने मुझे टपोरी कहा? छोड़ दो भाई, वो गई थी ना, इसलिए ऐसा बोल दिया उसने। माफ छोड़, कर दो। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। अरे आके इसे ले जाओ भाई। सुनो, वो साहब ये मंत्री का बेटा है, इसे जो करना है करने दो। छोड़ दो भाई, तुम मंत्री के बेटे हो, ऐसा मत करो। सुनो सुनो मेरी बात, और मैं सुन लूंगा। इतने लोगों के सामने तूने मुझे टपोरी कहा? हुँ? अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। देखा, चल भाई, चल। कर दिया भाई। वंडरफुल वंडरफुल। ए, निकल। चल यार अंदर चल। अबे देखता क्या, चल। अरे क्या कर, मंत्री के बेटे को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया साहब आपने। मंत्री का बेटा,
मंत्री का बेटा है तो क्या हुआ, सबके सामने एक लड़की का अपमान करेगा, इसकी इतनी हिम्मत? फिर भी मंत्री का बेटा है साहब। मार्केट के सभी लोग गवाह है, तुम इसके नाम की FIR लिखो। मंत्री के बेटे पे FIR? ये किसी का भी बेटा है, मैंने कहा ना FIR लिखो। कोई पूछेगा तो क्या बोलूं साहब? कोई पूछे तो कह देना कि मैंने FIR लिखा है। ओके, मंत्री का बेटा है, डर लग रहा है साहब। तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? तुम्हारी बेटी। हाँ? सच कह रहे क्या आप? नहीं, वो कोई दूसरी लड़की थी। बच गया। अच्छा, तुम्हारी बेटी थी, कहा तो तिलमिला गए। क्यों, तुम्हारी बेटी होती तो FIR कर डालते ना। मार्केट में तुम्हारी बेटी भी जाती है, औरों की भी जाती है, तो क्या हम सिर्फ अपनों के बारे में सोचे? नहीं, हमारे लिए सब एक है और हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, तभी तो हम एक अच्छा पुलिस वाले कहलाएंगे, चाहे वो अपने हो या पराए हो। ए इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम है कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, फिर भी अंदर किया ना, मुझसे पंगा लिया ना, मुझे बाहर आने दे, फिर तुझे मजा चखाता हूँ, बाहर आकर तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर पे बैंडेज लगा ले। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, अब सोच के क्या फायदा, आज का दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा। अरे रे, तेरे माथे से तो खून आ रहा है, चल बेटिया इधर बैठ, इधर बैठ, हाँ इधर। अरे बेटी तू यही ठीक से बैठ। इतना क्यों परेशान हो रहे? तू चुप कर, ये हाथ यहाँ पे रख, समझी, मैं अभी आया। ये लीजिए कॉफी। ये क्या कॉफी लेकर आई हो? उधर बेटी को चोट लगी है, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, झूठी चोट लगी। कहाँ पे? माथे पे। दिखा, पापा ने मुझे उठने से मना किया है। अच्छा, माइक्रोस्कोप से देखोगी तो भी चोट पता नहीं चलेगी, उससे तो तेरी बिंदी बड़ी है। मैं आगे। बेटी तू घबराना मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये पट्टी में बांध देता हूँ। बैंडेज। तू चुप कर। ए, कैसे कॉफी पी रही हो, जिंदगी में जैसे कॉफी पी ही नहीं। नजर मत लगाओ। तुझे क्या नजर लगाऊंगा मैं, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? शांति से मुझे कॉफी तो पीने दो। हाँ पियो पियो, खूब पियो। फिर नजर लगा रहे हो साहब। हाँ आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अरे अरे, लॉरी या बुलडोजर का धक्का लग गया क्या? चुप बेवकूफ, कहीं का कुछ भी बोलता है, कोई बस बुलडोजर नहीं चला, समझा? चेहरा ही बच गया, उस पे भी बांध दो। कुछ ज्यादा बांध दिया ना? नहीं, थोड़ा ही बांधा है, अगर कम लग रहा है तो और बांध दीजिए। ये पट्टी से तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये देखो, इसीलिए तो साहब इंस्पेक्टर बन गए। यार यार, तू सवेरे सवेरे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, वो भी एक कांस्टेबल के घर पे। मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप सच में सब इंस्पेक्टर बन गए हो, उसी का लेटर लेके आया हूँ। पापा। लेकिन साहब, इसके साथ साथ एक और बात बतानी है आपको। हाँ बोलो ना। इस लेटर में ये भी लिखा है कि आपके प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफर भी करा दिया गया है, बहुत खतरनाक जगह है, करवातोर। देख रहा है उसके हाथ में लेटर, ये ट्रांसफर लेटर है, इसने मंत्री के बेटे को हाथ लगाया ना, इसलिए ट्रांसफर लेटर मिला है इसे। सही कहा तूने, ये तो होना ही था, करवातोर बहुत खतरनाक गांव है, कैसे रहेगा परिवार वालों के साथ? वहां तो पुलिस वालों की कोई इज्जत ही नहीं है, पकड़ पकड़ के मारते हैं, अब तो इसकी बलि चढ़ेगी। पता है इसके हाथ में कौन सा लेटर है? पता नहीं, उनका तरक्की हो गया है, तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया, उनको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, लेटर खोलते ही मालूम पड़ जाएगा मैं कहां पहुंच गया। यस कम इन। सॉरी मिस्टर शक्ति, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया था, और मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, आपका ट्रांसफर रुकवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, आपको सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिल गया, लेकिन इसके साथ खरवातुर जाना पड़ेगा। ठीक है सर। एक तरीका है जिससे तुम्हारा ट्रांसफर रोका जा सकता है, अगर तुम खुद जाकर मंत्री और मंत्री के बेटे से माफी मांगो तो। सॉरी सर। तो ठीक है, मंत्री से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिन लीव लेकर आराम करो। मैं कोई पागल नहीं जो किसी की भी गुलामी करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मेरा कहीं भी ट्रांसफर हो मैं करवा तुर्क जाऊंगा सर। करवा तुर्क कैसा गांव है क्या तुम्हें पता है? मालिक 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 कसम हो गया मालिक, उस गांव के जमींदार ने अपने आदमी भेजकर हमारे गाय के चारों को आग लगा दी मालिक। घास में आग लगा दिया ये कहने के लिए यहाँ पर आए हो तुम? थू! अब तक तो तुम लोगों को उसके तबेले में घुसकर आग लगा देनी चाहिए थी। हे! चलो मेरे साथ। साहब जी, उस गांव के लोगों को लगा कि हमने आग लगाई है, इसलिए उन्होंने हमारी गाय भैंसों को काट दिया। अपनी भैंसों को काट दिया ये बोलने के लिए तू दौड़ता हुआ मेरे पास आया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तक तो उनका सर काट कर यहाँ आना चाहिए था। ए! मेरी तलवार ला रहे। ए, कौन हो तुम? किसके आदमी हो तुम? मालिक के या नवाब के? ये किसी का आदमी नहीं है, ये इस गांव का नया पुलिस इंस्पेक्टर है, आज ही यहाँ आया है। पुलिस का काम करने आया, हमको जरूरत नहीं है, जाओ। ए, तुम्हारा इस गांव में कोई काम नहीं है, चलो रे चलो। ए गाड़ी वाले, हाँ। किसे अपने साथ लेकर आ रहा है? नवाब का आदमी है या साहब का आदमी है? ये किसी के आदमी नहीं है। फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये इस गांव के नए थानेदार हैं। देखने में तो कुमकुम लगाई है, बिल्कुल महारानी लग रही है, पता नहीं वापस कैसे जाएगी। अरे भाई, सुना था कि गांव में बहुत अशांति है, मगर यहाँ तो शांति ही शांति है। ये शांति नहीं है साहब, ये सन्नाटा है, यहाँ इस समय कोई नहीं है। क्यों? कल शाम की बात है, नवाब के आदमियों में और मालिक के आदमियों में बहुत जोर से झगड़ा हो गया, जिसमें आधा गांव तो मारा ही गया। झगड़े में जो लोग कल मारे गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग शमशान घाट गए हुए हैं। चलो सीधे शमशान चलो। आते ही आप शमशान जाने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे ये तो बताओ मुझे, किसके शमशान जाना है? नवाब के शमशान जाना है या मालिक के शमशान जाना है? अब इन दोनों शमशानों में से कहाँ जाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। इस गांव में दो दो शमशान हैं क्या? हाँ साहब, इस गांव के लोगों के लिए दो दो शमशान बने हुए हैं। इस गांव में पुलिस थाना कहाँ है? मैं बस अभी आया। अच्छा, नाम मुरली, शंकर मुरली, इस गांव का इंस्पेक्टर हूं। और तुम? शक्तिवीर, इस गांव में आज ही आया हूं, सब इंस्पेक्टर शक्तिवीर। माफ करना सर, सर। तुम थाने में बंद रहते हो क्या? नहीं सर, मैंने खुद अपने आप को अंदर बंद किया है। ऐसा क्यों? क्या करूं, जीना है, इस गांव में कब कौन कहां से तलवार लेकर आता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, कल इस गांव में दंगे हुए थे, तुमने कोई एक्शन लिया क्या? You don't know sir, there is severe reaction for every action. अच्छा, कहां से सीखा तुमने? पेपर में पढ़ा था सर। चलो अच्छा किया। सर इस गांव में तो कोई कंप्लेन ही नहीं करता है। सर अगर नवाब का कंप्लेन लिखा तो नवाब के आदमी आकर पीटते हैं, अगर मैंने मालिक का कंप्लेन लिखा तो उसके आदमी आकर पीटते हैं, इसलिए ना मैं कोई कंप्लेन लिखता हूँ ना कोई लिखवाता है सर, कैसे भी करके धीरे से मामला निपटा देता हूँ सर, इसलिए सर कोई कंप्लेन भी नहीं, कोई झमेला भी नहीं, बहुत ही एडजस्टमेंट मामला है सर।
क्या करें, जीना भी तो है सर, ये सब करना ही पड़ता है। सरकार ने तो वर्दी दी है सर, लेकिन ताकत इन लोगों ने दी है सर। हर महीने पगार मिल जाती है तो उससे मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाता है सर। और सर मैं सब कुछ एडजस्ट करके चलता हूँ तो मेरा भी इधर उधर से इंतजाम हो ही जाता है। दाल चावल का इंतजाम हो जाता है सर। अब देखिए सर, जैसे हमने चावल चढ़ाया इसमें अभी, सर चावल हटा के चाय बना दूं या कॉफी? नहीं चाहिए तो ठीक है। क्या मुझे मस्का लगा रहे हो? क्या करें, आप सीनियर है ना। तुम इतना डरते क्यों हो? हा? पुलिस को देखकर लोगों के दिल में डर पैदा होना चाहिए। तुम लोगों से डर कर थाने में छुपे हो। तुम्हारे जैसे पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो भी किया था सर, लेकिन बच गया। तो आप कब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं? वेडनेसडे। शुभ दिन है काम शुरू करने के लिए, शुभ रहेगा आपके लिए। तो आपका अभी रहना कहाँ होगा सर? है? अब मैं हमेशा इसी पुलिस चौकी में रहूंगा। है? अच्छा, क्या आपको कैंसर है? ओ तो आपको ब्लड कैंसर है, आप 6 महीने बाद मरने वाले हैं सर। शट अप। अच्छा तो और कोई भी बड़ी बीमारी होगी आपको? नॉनसेंस। करेक्ट। अच्छा कोई बड़ी बीमारी होगी तभी आपने कहा था मैं आप यहीं रहूंगा हमेशा। ये फोटो किन पुलिस वालों की है? साहब ये भी आपके जैसे यहाँ ड्यूटी करने आए थे। क्या हुआ इन्हें? सर अब ये सिर्फ यादों में याद करने के लिए मैंने इनकी यहाँ पे फोटो लगा रखी है। याद करने का यही एक तरीका रह गया है सर। अच्छा हुआ कि इनकी फोटो मेरे पास थी तो मैंने इनकी फोटो टांग दी। सर आपके पास भी आपकी कोई फोटो है सर? चुप रहो, कल तक ये सब यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुलिस चौकी की सफाई करो, समझा? अगर नहीं किया तो सस्पेंड कर दूंगा सर। इतनी सुंदर हो और घास वास उठाते अच्छा लगता है। क्यों? अरे मुझे खुश करो, चलो चलो। अच्छा चलो 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 चलो, घबराओ मत, मैं बहुत अच्छा हूँ, डरती क्या हो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ चलो चलो शुरू हो जाओ। अरे तुम तो बहुत शर्माती हो। चलो चलो, अरे शर्मा मत, अरे क्यों शर्मा रही हो, चलो शुरू हो जाओ। अरे 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 छोड़ो तू कर। अरे अरे कौन है बे? पागल है क्या? रस्सी को क्यों काटा? अगर इतना ही खराब लग रहा था तो तुम भी आ जाता, मजा ले लेता। तूने क्या सोचा कि मैं तेरे जैसा बेशर्म हूँ जो कुएं में आकर बैठूंगा? मुझे बेशर्म बोलता है? इतना ही दम है तो नीचे आकर बोल। है? मैं नीचे कभी नहीं उतरता नामर्द। अगर तेरे में दम है तो तू ऊपर आकर बात कर मेरे से। इस जगह में तो हमेशा कोई ना कोई लड़की लेके बैठा ही रहता है। अपना दिमाग ठंडा रखो, बाल उड़ जाएंगे। अरे किसको ना मर्द बोला, मैं तो मर्द हूँ, तभी तो रस्सी पकड़ के उस कुएं में लड़की के साथ मजा कर रहा था। तुझे क्यों जलन हुई? तू क्यों फरफरा रहा है? मैं फरफरा नहीं रहा हूँ। अगर तुझे मर्द बोलने की इतनी ख्वाहिश है तो अपनी जमीन में करना, मेरी जमीन में क्यों इश्क फरमा रहा है? अरे इश्क करने के लिए कुआं तेरे पास नहीं है क्या? जाना अपने कुएं में जाकर मर, मेरे कुएं में क्यों मर रहा है? ए तू चेयरमैन का भाई है तो इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा? तेरे जैसे बदतमीज लोगों को और बोलना भी क्या आएगा है? इनको कुछ बोलने से पहले अपने छोटे साहब को देख ले, ये उनके जैसे कोई भी लड़की को नहीं छेड़ते। डरने की कोई बात नहीं है। इधर क्या देख रहे हो तुम लोगों को और कोई काम धाम नहीं है? चलो जाओ यहां से, चलो निकलो यहां से, जाओ। टॉवल दो भाई, तुम लोग भी कमाल के हो। तुम लोग आपस में ही उलझ कर रह गए। तुम लोग चाहते थे इससे पहले ही बचा सकते थे, मगर नहीं, तुम लोग लड़ते ही रहे। चलो जाओ यहां से, जाओ। पहली बार इस गांव में बिना खून खराबे कोई फैसला हुआ है भाई। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, जो इस लड़की की इज्जत उतरने से बचा ली, नहीं तो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। खैर अब सब ठीक हो गया। वो तो ऐसा ही करेक्टर है, वो हमेशा।
देखो भाई, हमेशा शांति से बात किया करो, दिमाग ठंडा रखा करो। चलो चलते हैं। मेरे मन की गंगा, तेरे मन की यमुना, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा क्या? मुझे चाचा बोलता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा था मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाला है। यही ना कि मेरे हाथों में चप्पल है, फिर भी मैं नंगे पैर क्यों चल रहा हूँ? चप्पल तो हाथों में नहीं, पैरों में होने चाहिए। यही पूछना चाहते हो ना तुम मुझसे? हाँ, सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई मंदिर है क्या? हम इस गाँव में नए आए हैं, हमें मंदिर कहाँ है नहीं पता। मंदिर खोज के क्या करोगे, पूजा ही करनी है ना तुम्हें? अरे भगवान तो मन में बसता है, उसमें ही उसकी पूजा कर लो। ओहो हो, अरे ओहो, क्या लगा रखा है? देखो मुझे अपनी अकड़ मत दिखाओ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हम चाहते थे कि इस गांव में आकर एक बार मंदिर में प्रणाम कर लें। अच्छा ये कौन है? माय वाइफ। और वो? मेरी बेटी। अच्छा तो तुम लोग घूमने निकले हो? नहीं नहीं, हम लोग घूमने नहीं, बस मंदिर का दर्शन करने के लिए एक साथ निकले हैं। मंदिर का पता बता देते तो, रास्ता पूछ रहा हूँ, बता देते तो अच्छा होता। देखो यहाँ से पहले सीधे जाना, फिर राइट मुड़ना, सामने मंदिर दिखाई देगा, वहाँ जाकर पूजा कर लेना। ओ तेरे मन की गंगा, अच्छा मेरे मन की बात कैसे करता है ये बुढ़ा, देखा ना? अब तुम क्यों हंस रही हो? पापा मैं तो, इससे पहले कि वो बुड्ढा फिर से आ जाए, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। मंदिर में जाने से पहले पैर धोना होता है, लेकिन हमारा पैर तो इस नदी की वजह से अपने आप धुल गया। ये क्या, मंदिर में कोई नहीं है? पता नहीं, चलो देखते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं, मंदिर का क्या हाल बना रखा है, कोई देखभाल भी नहीं करता है। शायद किसी ने मन्नत मांगा होगा, इसीलिए ये सब इस तरह रखा गया है। ठीक है ना माँ, हम हमारी पूजा करते हैं। ये लो थाली, चढ़ा दो। रुक जाओ, यहाँ कोई पूजा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कोई पूजा कर सकता है? तुम कौन हो जो हमें मना कर रहे हो? हाँ मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी? पुजारी पूजा करने को मना कर रहा है, ये तो पहली बार सुना। आप तो कोई कारीगर लगते हैं, पुजारी बिल्कुल नहीं लगते हैं। रुक जाओ। पुजारी जी, इस बार मेरे भाई को पूरी मर्यादा मिलनी चाहिए, इस वर्ष ये मर्यादा के पूरे हकदार हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या साहब, पिछले 10 सालों से तो मैं इनको देखते आ रहा हूँ, इस मंदिर में मर्यादा इन्हीं लोगों को प्राप्त है, जमींदार को नहीं। नियम के अनुसार तो प्रेसिडेंट को मर्यादा मिलनी चाहिए, सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने। और ये लोग पंचायत इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। ए,
पिछले 10 साल से ये रिवाज चल रहा है। ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था और तब से माताजी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम लोगों के कहने पर हम पूजा बंद कर देंगे? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पंचायत कोई भी फैसला करे, हम अपना रिवाज नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी बात सुनो, क्या बता रहे हैं ये पंचायत को नहीं मानेंगे बोलता है। अगर इस गांव में हमारे साथ रहना है तो तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे खानदान को मानना पड़ेगा? बताओ इसे, पंचायत का ये फैसला है कि प्रेसिडेंट मेरा भाई है। तू प्रेसिडेंट गिरी दिखा रहा है क्या? चुप शांत, सुनो मेरी बात। माता के सामने कुछ तेरा नहीं होता और कुछ मेरा नहीं होता, सब कुछ माता जी के आशीर्वाद से दिया हुआ है। अब तक जैसा चल रहा है ना, वैसा ही चलने दो, कृपा करके पूजा होने दो। फालतू फालतू की बातें मुझे मत सुना, समझा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पूरे इलाके का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए पहले पूजा करने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसे ही करने दे दूंगा? शांति रखिए जी, चुप रहो। तुम जो बोलोगे वही होगा क्या? हमें पूजा नहीं करने दे रहे हो, समझते क्या है? अब हमारे चेयरमैन को किसी ने कुछ कहा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा चेयरमैन कैसा आदमी है हमें पता है, चेयरमैन तो वो घूस देकर बना, ये पूरा गांव जानता है, ये सच्चाई तो हम सभी लोग जानते हैं। अपना मुंह बंद रख वरना उसको तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा ना? किससे बात कर रहा है तू? दादागिरी दिखा रहे हो तुम लोग, सबको काट के रख दूंगा। अगर इतना ही दम है तो चलो आज फैसला हो ही जाए, आ जाओ। मेरी बात सुनिए, जो भी करते हैं करने दीजिए ना, आप क्यों झमेले में पड़ते हैं? क्या कहा तुम, क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मेरा सर उसके सामने झुक जाए? लेकिन मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। सुन भाई, इन दोनों के झगड़े में तो हम जैसे गरीब पीछे जा रहे हैं, अब हमारी बात कौन सुनेगा? जल्दी बताइए कि इस मंदिर में मर्यादा पूरी कौन करेगा? अच्छा मुहूर्त निकला जा रहा है, वरना माता बुरी तरह नाराज हो जाएगी। तुम्हें किसने रोका? मेरी माला तुम्हारे हाथ में है, अगर ताजे फल फूल चाहिए तो घर से और मंगवा देता हूँ। तुम पूजा की रस्म शुरू करो, जाओ। मुझे कायर समझता है क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को आंखें दिखा रहा है तू अपने आप को? अभी बताता हूँ तुझे मैं। अरे आप समझदारों पर ये सब काम कर रहे हैं, अरे लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अरे हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, कहीं ठहरो बाबा। अरे क्या हो रहा है? फैसला नहीं हो पाया कि मर्यादा पूरी कौन करेगा, और उस दिन से लेकर आज तक उस मंदिर में कोई पूजा करने नहीं गया, कोई भी नहीं गया। लेकिन मैं माता को छोड़कर कहीं नहीं गया, मैं दूर से बैठकर मन में ही उनकी पूजा करता हूँ और यहाँ बैठकर ये काम करता हूँ। पता नहीं अब वो पुराने दिन इस गाँव में कब वापस आएंगे, पता नहीं। बस आस लगाए बैठा हूँ यहाँ कि कब मंदिर में पूजा अर्चना होगी, लेकिन गाँव का माहौल देखकर तो लगता है कि अब इस गांव में कभी पूजा हो ही नहीं पाएगी। मैंने तो आस ही छोड़ रखी है, अब तुम ही बताओ इन लोगों को कौन समझाएगा, माता रानी ही जाने। नमस्ते सर। बैठो। मैं इस गांव का नया सब इंस्पेक्टर शक्तिवीर हूँ सर। आप इस गांव के मुख्य आदमी हैं, पता चला तो आपसे मिलने चला आया। अच्छी बात है जो तुम इनसे मिलने आए हो, इनकी इज्जत कर रहे हो, मगर तुम पहले हमारे यहाँ आए हो या उस जमींदार से मिलकर आ रहे हो? चुप रहो ना माँ, जब देखो कुछ भी बोलती रहती हो, देखते भी नहीं हो घर पर कौन आया है। तू चुप बैठ। मैंने क्या गलत कहा? मैं तो बस उससे यही पूछ रही हूँ, पहले वहाँ जाकर आया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा है। माँ मैं खाना बाहर खाऊंगा, आज दोस्त की दावत है। नमस्ते सर। क्या बात है, आज तक तो इसने किसी को इतनी इज्जत नहीं दी और इनको इतनी इज्जत दे रहा है, क्या बात? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये इतने शिष्टाचार कैसे दिखा रहे हैं। क्या किया मैंने ही सिखाया उन्हें। नहीं नहीं, शायद वो खुद समझ गए होंगे इज्जत करना। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा सीखा बाहर से, लोगों की इज्जत करना अच्छी बात है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा,
अगर आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो शर्माइएगा मत, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ सर। अरे बैठो, कॉफी पी के जाना। नहीं सर, चलता। अच्छा, नमस्कार। सर अगर कुछ दक्षिणा मिल जाती। अच्छा, सौ रुपया दे। सौ रुपया? बोल ले। आ रहा हूँ सर, थोड़ी जरूरी बात करनी थी। साहब एक पुलिस वाला आया तो आपने 100 रुपया दे दिया, मिलिट्री आएगा तो कितना दोगे आप? ये लीजिए, पहन लीजिए। आओ बैठो बैठो। अच्छा तो तुम हो नए इंस्पेक्टर, तुम्हारा सब सामान वामन शिफ्ट हो गया ना, कैसा लगा तुम्हें हमारा गांव? हाँ सर, सब सामान इनका आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह से आ गया। ये काफी समझदार है। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने से पहले तुम उस जमींदार से मिलकर आए हो क्या? किसकी बात कर रहे हैं? मैं जब से आया हूँ आपकी ये चर्चा सुन रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलने आ गया। अरे क्या हुआ, इतना खास? ये लो भाभी आ गई चाय कॉफी लेकर, इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आ गई हो तो एक कॉफी मुझे भी दे दो। मुझे वैसे पीनी तो नहीं थी। नहीं पीना तो मुझे दे दो, तुम अपना काम करो। देखो गांव में अगर कुछ भी तकलीफ हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, शर्माना बिल्कुल भी मत। बस आपने कह दिया, यही बहुत है मेरे लिए, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा सर अब कुछ दक्षिणा मिल जाती तो। अरे सर तो चले गए, कोई बात नहीं, छोटे साहब कुछ खर्चा मिल जाता तो। हमेशा इस तरह भीख मांगते रहते हो टोपी में। ए, 100-200 दे दे इसे। 100 रुपए के आदमी को 200 क्यों दे रहे हो? नॉनसेंस, दो लोग आए थे ना। ओहो, दो को मिला के मांग रहे हो? मांगूंगा नहीं। मांग क्या? लो, आज वैसे भी मेरा नुकसान ही होगा। अरे ओ मुझे। आया सर, जल्दी करना मेरे भाई। 200 रुपए का चिल्लर गिर रहा है क्या? आपको कैसा पता चला चिल्लर है? अरे हमारे साहब को सब कुछ पता है। एक भी पैसा नहीं छोड़ा। क्या करता है तू, पैसा लेता है या चिल्लर लेता है? जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना सर। तुझे शर्म नहीं है? है ना सर। तो फिर मर जा। मरने से किसको फायदा होगा? जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप भी तो बड़े भोले बनते हो सर। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, तुम जो कर रहे हो अपने लिए और मैं जो करता हूँ दूसरों के लिए। क्या मौज करने आए हैं और आप क्या मेहनत करने के लिए आए? हाँ सही, मैं मेहनत करता हूँ, तुम ऐश करते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ? हे मुरली। आया सर। क्या देख रहे हो? आपको कैसे मालूम हुआ? आपने तो मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। ये नजर पुलिस की नजर है। तो मेरी नजर? चोर की नजर। अच्छा बताओ क्या बात है? पिछले आधे घंटे से आप यूं ही धोती कुर्ते में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो वही सोच रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या करूँ, इस गांव में खाकी वर्दी पहनना या ना पहनना एक ही बात है। सर इसके लिए तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा ऐसा है? हाँ। क्या तुम्हें तो बहुत कानून का पता है। इस गांव में बिना वर्दी का ड्यूटी करके दिखाऊंगा। अरे वो साड़ी वाले भाई, वहाँ बैठ कर अच्छी सी साड़ी दिखाओ। आओ जल्दी आओ। कौन से कलर की साड़ी दूं, लाल पीली हरी, आपकी बेटी के लिए या पत्नी के लिए? बोलिए बोलिए ना, कौन सी साड़ी दूं? नहीं बेटी के लिए। अच्छा अच्छा बेटी के लिए। ये देखिए ये पीली साड़ी आपकी बेटी को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे आप अपनी पत्नी के लिए भी ये साड़ी ले सकते हैं, ये नीली साड़ी बहुत अच्छी है। नाम क्या है? साड़ी सिर्फ 200 रुपए की है। नाम? सिर्फ 200 रुपए। दाम कुछ अधिक बता रहे हो भाई। नहीं साहब, 200 रुपया तो बहुत कम है। अरे साहब इसमें 10 रुपए ही तो कमाना है, इतना घूमते हैं हम लोग, 10 रुपए भी नहीं कमाए क्या? इधर आ, आ चल इधर, ज्यादा मत झुक। ये कैसा है? सुपर कलर। ये कैसा है? ठीक है ठीक है। ये तुम्हें पसंद है क्या? हैं, ये भी कोई कलर है सर। हैं, तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। तुझे कौन दे रहा है ये? मैंने इसके लिए ली है। ये साड़ी तुझे पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने ये साड़ी ली है कि ये पहनेगी तो तेरी बुरी नजर से बचेगी। इधर आ, ये साड़ी लो और अपने हाथों से उसे दे दो। ऐसा लगा जैसे तमाचा मारा हो। दो, ले लो बेटी, ले लो बेटी, क्या सोच रही हो? साहब ये तो आप अपनी लड़की के लिए लेने वाले थे। ये भी तो मेरी लड़की जैसी है। क्या हुआ अगर मैंने इस लड़की को एक साड़ी खरीद कर दे दी तो? ये लो। अरे बेटी ये क्या कर रही हो, उठो बेटी। अरे उठो ना, रोने से कोई फायदा नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब इसके कारण हुआ है। अच्छा लगा? हाँ मुझे। आया सर।
किसका बच्चा है, बड़ी देर से रो रहा है, जाकर जरा देखो। अरे सर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, इस गांव का यही रिवाज है सर, आप चाय पीजिए सर पहले, मैं अभी आता हूँ सर। किधर जा रहा है तू? मैं अपनी बंदूक लेने जा रहा हूँ सर, और कहाँ जाऊँ। हे मुरली। यस सर। कब से वो बच्चा रो रहा है, मैं जाकर देखता हूँ, चल तू भी आ। चोरी की बात हो, डकैती की बात हो, झगड़े की बात हो, तब लोग पुलिस को बुलाते हैं। कोई भूखा बच्चा अगर रोता है तो भी पुलिस को बुलाना चाहिए। ये साहब पुलिस हैं क्या? पीले 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 पीले, अच्छी बेटी पीले। सर आपका यूनिफॉर्म खराब हो गया सर। कोई बात नहीं, हो गया ना। सुन, बच्चा जब पेशाब करता है तो चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे डर जाते हैं। तुझे इतना भी नहीं पता है? अरे तुझे क्या पता होगा, तुझे बच्चे होंगे तब पता चलेगा सब। जा अपनी मम्मी के पास जा। ए, अभी से माँ के आंसू पोस रही है। अरे बच्चे मैं साड़ी ले लो। उसके पास अब साफ चला है। तुम क्या आदमी हो तुम? सॉरी मैंने देखा नहीं आपको। तुम्हें तो हमेशा मैं ही नजर नहीं आती। माफ कर दो ना प्लीज। मैं खुद कर लूंगी, तुम छोड़ो। ये आपका, चलिए। गलती से हो गया मेरे साफ से। मेरी नई साड़ी थी उसे भी फाड़ दी। आजकल कौन किसे चकली दे देता है पता ही नहीं चलता। क्यों, तुम्हें आज किसी ने चकली दी है क्या? मुझे छोड़ो, उधर देखो। मेरे पास क्यों आया है? जाओ जवान लड़की के पास, जा जा यहाँ से। अरे सही में तुम्हारे पास गया है? अभी मेरे पास आया है ना, अब तुम्हारे पास आ रहा है। देखो देखो ये हमारी तरफ आ रहा है। भगाओ भगाओ, हट हट। अब कैसा लग रहा है? अब मजा आ रहा है ना? ये बूढ़ी हम पर बहुत हंस रही है। ए, तू चुप कर। ए मौसी, तुम्हारे समय में कोई तुम्हें चकली दिया था क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? हमारे जमाने में तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे, सब मुझ पर बहुत मरते थे, आहें भरते थे। मामा की बहुत याद आती। मामा ने जब तुम्हें चकली दिया था तब तुम्हारे पति को पता चला था? अरे बेवकूफ, मेरे मामा तो मुझे चकली देने से पहले ही मर गए। क्या करूं मैं? इस उम्र में भी चकली खानी है, दांत नहीं दुखेंगे क्या? दांत टूटा भी तो क्या हुआ, उसे कूट कर या भिगो कर खा लूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है इस गांव का नाम बदल कर चकली तुर रख देना चाहिए। क्यों रे, चकली देने वाली बात मजाक लगती मजाक है? कर रही हूँ। तुम्हारे गांव में कोई किसी को लव लेटर नहीं देता, सगाई नहीं होती है क्या? यहाँ तो ऐसा ही होता है, लड़का लड़की को चकली देता है और उससे शादी की इजाजत लेता है, और इसी से ही सामने वाले की रजामंदी का पता चलता है। हमारे गांव का रिवाज सबसे अलग और सबसे अच्छा है, बाकी लोगों से बिल्कुल हटकर। ए, क्या है ये? बोलना क्या है ये? मुझे चकली देती हो? वो ना आपकी मन की इच्छा जानने के लिए मुझे चकली देती है, और वो भी पता नहीं कौन कौन से नए तरीके से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो भी तुम एक शरीफ लड़के को चकली दे रही हो? हाँ अरे तो इतना मत चिल्लाओ। क्यों ना चिल्लाऊं? तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी है, इसी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना बताता नॉनसेंस। तुम खुद को समझती क्या हो? दिखने में तो बहुत शरीफ लगती हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो एक थप्पड़ मारता पूरा दांत मारा जाता। हाँ तुम एक अच्छे घर की लड़की हो इसीलिए छोड़ दिया है। हाँ? मुझे घूर रही है, ये जो आंखें है ना निकाल दूंगा। ए, हाथ दीजिए कर, हाथ दिखा।
ये क्या, इतने नाजुक हाथों से भारी रस्सी को खींच रही थी, कहीं हाथों में बोझ आ जाती तो। ये क्या, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? और नहीं तो क्या, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से सोच लिया था कि तुम्हें चकली पहले मैं दूंगा, और तुमने मुझे पहले दे दी। हैं? क्या 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 कहा? वो क्या है ना, ये पेड़, हट। मैं पिछले दो दिन से तुम्हारे लिए चकली लेकर घूम रहा हूँ, तुम्हें प्यार से देने के लिए। ये लो चकली। क्या हुआ? मैंने कितनी कोशिश की, मामा नहीं आए। दो झापड़ मारते और उसे खींच कर लाते। एक तो पहले से वहाँ पीकर पड़ा है, अगर हम उसे मारते तो फिर वहाँ के गांव वाले फिर झगड़ा करने को तैयार हो जाते हम लोगों से। मारने की बात करते हैं। ये कैसा अन्याय हो रहा है? इनके अंतिम संस्कार के लिए ना बेटा है, ना पति है, ना ही कोई सगे संबंधी है। फिर इसकी अर्थी कौन उठाएगा? इस घर से इस अनाथ की अर्थी उठा के कौन ले जाएगा? इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जान से मार देता। मामा था ना, इसीलिए जाने दिया। ऐसे समय पर भी बहाना करके बैठा हुआ है। उन्हें क्या लगता है उनके बिना कोई काम नहीं होगा? अरे इस काम के लिए हम ही काफी हैं। अरे बोलने से क्या होता है, क्या इस लावारिस लाश को पुलिस के हवाले कर दे? जिस दिन ये रिश्ता तय हुआ था ना, मैंने उसी दिन कह दिया था कुछ गड़बड़ है। चुप, फिर से क्यों पुरानी बात उठा रहा है? आप लोग आगे की सोचिए। अरे क्या आगे की सोचना है, ये अनाथ लाश को जैसे भी करके उसका क्रियाक्रम संपन्न करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वही बंदोबस्त करो ना। अरे मेरी माँ। थोड़ा रुकिए आप लोग। बहन, बहन, मैंने बहन बुलाया तो तुमने मुझे देखा ना, मतलब मैं तुम्हारा भाई हुआ ना, फिर तो मैं इस रस्म को कर सकता हूँ ना। तुम क्या कहती हो, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? ए बसंती, आज तू फिर पानी के अंदर खड़ी है। उस दिन तो उस पुलिस वाले ने बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा? देख आज तू डूबेगी तो मैं भी नहीं बचा सकूंगा तुझे। मुझे अब तैरना आ गया है, अब तो ऐसा तैरना सीखा है कि चार आदमियों को डूबने से बचा सकती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। मुझे तैरना नहीं आता, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कल यहीं रहोगी ना? कल फिर मिलेंगे, कल मैं फिर आऊंगा, कल मिलेंगे। हाँ बच गए रे।
इसके साथ तू क्या कर रही थी? इनमें पानी भर गया है, वही निकाल रही हूं। पानी भर गए? तू जा, मैं देखता हूँ। पति तो कितने अच्छे हैं, साथ ही बहुत मजाकिया भी हैं। अच्छा ये बताओ कि वो पहले से ही ऐसे हैं या फिर अब ऐसे हुए? वाकई ऐसे इतना अच्छी स्वभाव वाले लोग कहाँ जल्दी मिलते हैं। तुम्हारा तो पूरा वक्त तुमके साथ ऐसे ही कट जाता होगा। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे देखो माता की साड़ी फट गई है। हम सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, माता के बारे में कोई नहीं सोचता है। देखो ना माता की तरफ। क्या कर सकते हैं, गांव के नियम को नहीं तोड़ सकते। गांव के नियम मानकर कब तक चुप रहेंगे? इसके बारे में कुछ ना कहो तो ही अच्छा है, किसी ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। मैं अपने पति को कहकर इसका हाल जरूर ठीक कराऊंगी। आज इस गांव में जो शांति है उसे भंग मत करना माता की साड़ी बदल के, वरना यहाँ खून की नदियाँ और लाशों का अंबार भर जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि ऐसा कुछ मत करना, तुम इस गांव में शांति रहने दो। चलती हूँ। एक पैकेट सिगरेट दे। क्या पुलिस वाले साहब, कैसे हो? क्या चाहिए? वो देना। क्या? वो गोल गोल सा लड्डू। क्या? अच्छी। अरे वो जो तू सबको देता है वो गोल गोल सा होता है ना, तू देना। सबको देता हूँ। ए भाई कंडोम देना। कितना दो? 3 दर्जन दे दो। क्या बाहर जा रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। ला दो। क्या बात है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाय रे लाचर, मुझे इतने टाइम से क्यों शर्मा रहे थे? एक बहुत अच्छी कंपनी का देता हूँ, नया आया है। अरे नहीं यार, तुझे 1000 बार बोला मुझे कंडोम नहीं चाहिए ना, चकली चाहिए। देना। चिल्लाना नहीं। धीरे से बोल रहा हूँ। देगा क्या? किसी के साथ प्यार हुआ है ना, उसको देना है ना। अभी हाँ। देता हूँ। अच्छा थोड़ा मुझे भी पिलाओगे ना? पीने का प्लान तो है लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है बाद में बताओगे ना। अभी लेके आता हूँ। खुल रहा है। खुल जा। अरे दिख गया। खुल जा। रख रख यहाँ रख, यहाँ रख। खोल खोल। जल्दी दे, जल्दी दे। ए, तुम अपनी आंखें खोल कर क्यों नहीं चलते हो? अरे अरे पता नहीं क्यों मैं तुमसे ही आकर बार बार टकरा जाता हूँ। अब नहीं टकराऊंगा। इस वक्त क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बस यूं ही घूमने निकला था मैं तो बाहर। आज मौसम बड़ा बेईमान। क्या है वो, पसंद है ना? नहीं नीचे पड़ा था, उठा लिया। झूठ मत बोलो, ये पुलिस वाले की नजर है, ज्यादा होशियार मत बनो। ये चकली किसने दिया है बताओ मुझे? उसी पुलिस वाले ने दिया है? हाँ। कोई बात नहीं, तुझसे शादी कर इसका भी कल्याण हो जाएगा। ये अंकल तुम दोनों की शादी का खर्चा उठाएगा। खुश रहो, खुश रहो। Thank you.
मंत्र सूत्र तो लेके आओ। ठीक है, आप मंत्र पढ़िए पंडित जी, मैं भी लेके आता हूँ। जी क्या हुआ, तेरा इतना पसीना क्यों छूट रहा है? अरे मालिक क्या बताऊँ, मंगलसूत्र ही चोरी हो गया। क्या बात कर रहे हो, कैसे चोरी हो गया? अरे जरा आहिस्ते बोलो, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, पता नहीं किसने चोरी कर लिया। अब मैंने इतनी नमस्कार नमस्ते इतनी मुश्किलों से पैसे जमा किया था मालिक, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया मंगलसूत्र लेके आऊं। मालिक अब मेरा क्या होगा? सुनिए मंगलसूत्र की कुछ व्यवस्था कीजिए। पागल हो गई हो क्या तुम, ये सब क्या बक रही हो, बिना सोचे मत बोला करो। मंगलसूत्र कितने का था पता है? जो मुंह में आता बक देती हो, मुंह बंद करके रखो। अब तुम क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, पहले मुझसे नहीं उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद तुम हमसे नहीं उनसे लो। तुमने गले में जो मंगलसूत्र पहना हुआ है वो उन्हीं का है, उनके गले में देखो। हे बैल देवता, तुम्हें खरीदने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ठीक ठाक से चलना बस। जय हो भगवान। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। अरे अरे अरे, ये किसने कर दिया, ये सब किसने कर दिया? हे भगवान, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा, ये सब किसने किया? हे भगवान। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया है, अब उठो ना। देखो वो पक्का वाला दिख रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर। अरे बाबा कच्चा वाला मत तोड़ो, पक्का तोड़ो। माँ तुम्हारी शादी को तो 22 साल हो गए, फिर भी तुम इतना शर्मा रही हो। शादी के दिन कितना शर्माई होंगी। मेरे साथ मस्ती करती है शैतान की नानी। क्या बात है, माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो, कहाँ जाके आ रहे हो? देख के तो लग रहा है शॉपिंग करके आ रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कल मेरी मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, एक मैं ही तो रह गई थी, शादी अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए इस साल हम सब मिलकर इनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे। जो बोलो वो सुनती नहीं है, हर साल नए कपड़े नए सूट मेरे लिए खरीदती है। शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बचपना बचपना है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो? आज के टाइम में कहाँ कोई लड़की अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती है, ऐसी कोई लड़की है क्या? पूरे गांव में एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती हूँ। आपकी आंखों में आंसू। माँ मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक नहीं है, तुम्हारी बात सही थी, माँ का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो वो हमारा ख्याल क्यों रखेंगी? देखो उसको। तुम किस माँ के बारे में बात कर रही हो जो सबके खाने पीने का ख्याल रखती है लेकिन हम उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते? माँ जी इसमें किसी एक का कसूर नहीं है, सच में तुम लोग तो नए नए बाहर से आए हो, हम तो यहीं के हैं और यहीं के होते हुए ख्याल नहीं रख पाते। अब ये सब सोच कर क्या करें, ये सब उसी का खेल है। दीदी हाँ, सब पक्का वाला तोड़ लिया है, बाकी सब कच्चे हैं। पूरा पक्का वाला है ना? सारे पक्के हैं। हाँ Thank you.
क्या पुलिस वाले हो? गांव में रहने आए हो या गांव की शांति भंग करने आए हो? क्या समझा? जो तुम्हारे मन में आएगा वही आकर तुम यहाँ पे करोगे क्या हैं? अरे तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? इसकी पत्नी से पूछो। यहाँ के लोगों को चैन से जीने दो। तुम बीच में आके झमेला मत करो। हमारी तकलीफें हम सह लेंगे। माँ जी, कुल देवी को पूजने के लिए आपको किसने कहा? आपको अगर पूजा में इतना ही मन है तो आप घर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा हुआ वहाँ कल हमारा भाई गया था, उसने देखकर हमें बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अच्छा तो रात में तुम्हारा भाई वहाँ पर क्या कर रहा था? मछली पकड़ने गया होगा। अरे मछली मछली कुछ नहीं, उसको कुछ काम ही नहीं है, हमेशा टाइट होकर वहीं पड़ा रहता है वो। ए, नाक काट दूंगा। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में? उनका नाम मैंने बताया तो इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हो हैं? अरे ये तो हमारे आदमी दिख रहे हैं। नहीं तो क्या, उस दिन रीति रिवाज के साथ उसका भाई बना था तो फिर तो तुम उसके जीजा हुए ना, समझे तुम? तो क्यों नहीं उनको सपोर्ट करोगे? कुछ समझ नहीं आता क्या? क्यों, तुम्हारे लड़के को भी तो उन्होंने मंगलसूत्र दिया था, तो क्या तुम उनके अपने नहीं हुए? ए तू चुप रहे, लड़कियों के बारे में हम भला बीच में क्यों बोले? अब किसी की बात सुननी नहीं है, अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ तुम बोलोगी। अरे बोलो बहन, तुम चुप क्यों हो? बोलने के लिए है क्या जो बोलेगी? अरे जो गलती करता है वो थोड़ी बोलता है, वो तो चुपचाप खड़े रहता है। तुम्हारे चुप रहने से सारा गाँव जल सकता है, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने जो किया किसी के कहने से नहीं किया, अपनी मर्जी से किया। इंसान दूसरों के सामने तो झूठ बोल सकता है लेकिन वो खुद अपनी नजरों से गिर जाता है। जो हमारी रक्षा करती है उसे मैं ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकती हूँ। अगर मैंने साड़ी ठीक से नहीं पहनी तो आज भी मेरी बेटी मुझे टोकती है कि माँ तुमने साड़ी ठीक से नहीं पहनी है, तो मैं कैसे अपनी माँ की साड़ी फटी हुई देख सकती हूँ? हमारे घरों में भी अगर किसी ने कपड़ा ढंग से नहीं पहना तो क्या घर वाले चुप रहते हैं? तो फिर कैसे हम सब जब इसी गाँव में रहते हैं और उसी गाँव में माँ का ये हाल कैसे देख सकते हैं? माँ जो सबकी जननी है, हमारी पालनहार है, जो हमें अन्न वस्त्र देती है, उसके प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे उसके दुपट्टे का ख्याल रखना पड़ता है। मैं भी एक बेटी हूँ तो मेरी माँ को इस रूप में कैसे देखूं? तुम लोगों के लिए तो शायद वो एक मूर्ति है पर मेरे लिए वो मेरी माँ है। अगर ऐसे ही तुम्हारी माँ बहन या किसी भी घर वालों के साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता? चुपचाप ऐसे बैठे रहते? मुझसे भी सहन नहीं हुआ इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसमें मेरा क्या दोष है?
अगर अभी तुम सब लोगों को यह गलत लगता है तो आप सब लोग मुझे सजा दे सकते हो। देखो आप हर गांव से आई हो इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो। आप क्या सोचती हो कि गांव वाले चुप रहेंगे? आप सब कर लोगे तो गांव वाले चूड़ी पहन के बैठेंगे क्या? हाँ, इतना दिमाग लगाने से पहले अपने पति से पूछ लेना चाहिए था उसे। अपने पति को क्या बेवकूफ समझती है वो? ये सब इन बड़े घर वालों का नाटक है, सब ढोंगी है। हाँ, लगते है मिली जुली भगत है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उन लोगों को भी देखा था मैंने। सुनिए जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए किया है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे बोलते जाओगे? तुम लोग का इरादा क्या है? लेकिन अब सब चुप हो जाओ। इसके बाद अगर कोई कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। ए, इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? शायद किसी दूसरे गाँव वालों की चाल हो सकती है। उन लोगों ने इनको भड़का कर ये सब करवाया होगा इनसे। इतना ज्यादा मत घुमाओ हमें, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। अगर ये लोग मेरे कहने से गलती करते हैं तो तुम क्या करते हो? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अगर आदमी मुर्गी से डर कर उसे नहीं काटेगा तो खाएगा कैसे? अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से कोई फैसला लो, हमें काम पे जाना है। अरे जा रे काम चोर, है कुछ काम तो करता नहीं, कहता है कि काम पे जाना है। मेरा बेटा जो रोज मेहनत करके घर चलाता है वो तो कभी ऐसा नहीं बोलता, और तू एक नंबर का काम चोर आलसी। मुझे कह रहा है कि जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ। अब तुम लोग ही बताओ, गांव का जज मैं हूँ और वो क्यों मुंह खोल रहा है? अच्छा, तो तुम लोग इन्हें मार दोगे? ए, अगर इन्हें किसी ने कुछ किया ना तो हम एक एक को काट के रख देंगे। तुम हमें मारकाट करते रहोगे तो क्या हम सब लोग चूड़ियां पहन के खड़े रहेंगे? अरे भाई बेकार की बात मत करो, एक एक को काट के रख दो, जाना मत दो किसी को, मारो। अबे बोलने का छोड़ जाओ बोलने का, ये क्या सोचते हो तुम? हम छोड़ देंगे अगर तुम्हें। हट जाओ, अरे हम क्या ऐसे खड़े रहेंगे? तू समझ नहीं कर लेना चाहिए जैसे बहुत देखे क्या करोगे। अरे हाथ लगा के देख, अभी काट दूंगा। मारो को, मारो, चलो कैसे हाथ लगाएंगे, देख लेंगे तुझे। चल ना, अरे चल हट पीछे, बड़ा आया। अरे आ गया, आ गया। अरे चल गया एक और, अरे आगे बढ़ तेरे को इधर ही। मत रो माँ, शादी की सालगिरह के लिए जो साड़ी मैंने आपको दी थी वो साड़ी आपने माँ को पहनाई, इसीलिए शायद पापा ने आपको सजा दी। पापा, माँ ने जो किया क्या वो गलत था? नहीं बेटा, मैंने जो किया वो गलत है। अगर मैं उस समय ऐसा नहीं करता तो गांव वाले इन्हें जान से मार देते। मुझे इनसे इनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं मजबूर था बेटी। सच सच बताओ क्या? तुम्हारे हाथों की रेखा कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा और मुनाफा 3-4-5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसी बात है? हाँ। अगर ऐसा हुआ तो समझ ले आज का जितना कमाई हुआ 10% तेरा। पक्का ना? बैठ जा। ठीक है, मैं यहीं बैठ बैठ जा। वाह, अब जो तुम लोगों ने किया, जितना तोड़ा जितना फेंका जितना खाया सबका पैसा मेरे को दे दो। जल्दी दो जल्दी दो। अरे तुम तो दो दो कम से कम। दो 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 दो। क्यों बे, आज बहुत धंधा होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत मिले कर दस परसेंट मिले और ले मिले। अरे ये क्या है काला सा? ओ काला तिल है।
चुप बैठो ना, तुम भी कैसे कैसे सवाल करते हो। अभी तो कहा ही क्या है मैंने, अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है। ए, शाम को मिलते हैं? नहीं बाबा नहीं, कितने बार मैं घर में झूठ बोलकर तुमसे मिलती रहूंगी, वैसे ही पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हूँ। अब कैसी जगह बुलाते हो, देखो ना सब चुप। कहाँ कहाँ चुप रहा है? अगर तुम्हें इससे अच्छी जगह पर बैठना है तो धरती के नीचे होगी या फिर आसमान। उस प्लेन में चलेंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। सच में? रेडी 1 2 3। ए, रुको तो यार, कैसे भाग रही हो तुम? रुको। उस दिन मैं एक लड़की के साथ था तो तुमने पूरे गांव वालों को बता दिया था। आज तुझे मेरा ही खेत मिला था ये सब करने के लिए। तुम कितना भी छुपा लो, सच एक दिन सामने आता है, समझे ना? तब मुझे कहता था कि उस लड़की के साथ मैं बिगड़ जाऊंगा, अब इस पुलिस वाले की लड़की के साथ अच्छा रहेगा क्या, बता मुझे। मेरे ही खेत में स्वागत मनाने के लिए तुम्हें कौन सा ज्योतिष ने कहा था? उस दिन जो ज्योतिष दुकान पर था उसी ने बताया होगा। तू बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। आज जो गलत है वो भी गलत नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि आज अपनी ही बेटी फंसी है ना? चुप, तुम गुनहगार हो, तुम कुछ मत कहो। अच्छा, तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया? तुमने मेरी नाक कटा दी, तुम चुप रहो। कमबख्त, हट जाओ तुम। यही नसीहत दी थी मैंने तुझे, यही किया तूने। मैं छोड़ूंगा तुझे, आज मैं तुझे मार डालूंगा, हट जाओ। कमबख्त, आजादी का यही सिला है, हटो तुम। नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्यार का ये सिला दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरी बेइज्जती करा दी, हट जा। मेरी यह सदैव ही कोशिश रही है कि गांव को एकजुट करके रखूं, लेकिन जब मेरे ही घर में गुनाहगार पल रहा है तो यह कैसे होगा? तू इसके साथ क्यों रो रही है? या इसकी मरहम पट्टी कर दे। hey! अपने बेटे को चुपचाप रहने के लिए बोल। उस पुलिस वाले ने हमारी थोड़ी सी मदद क्या कर दी? क्या ये उसकी लड़की से ही प्यार करने लगेगा? नहीं, ये नहीं होगा। जब तक ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन जाता तब तक ये उसकी लड़की से शादी नहीं करेगा। तुम्हें अगर ये मंजूर नहीं है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। तुम हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पापा ने कहीं तुम्हें मारा तो नहीं? बस यही देखने। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? नहीं, तुम्हारे पापा हम दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते। उन्हें पूरा हक है, जब तक ये गांव एक नहीं होंगे तब तक हम भी एक नहीं हो सकते। चले जाओ यहां से। अरे देखो उधर। अरे जल्दी से उठाओ, चलो चलो, ये भी लो। चल बाबू भैया, ये भी रखो। हाँ, दो ये भी रखो। हाँ।
भैया भैया कोई फटे पुराने कपड़े है क्या? क्या बोले तो? फटे और पुराने कपड़े चाहिए। अरे 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 बाबा, तुम्हारा कपड़ा नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपने कपड़े। चले जाओ यहां से। अरे बहन, अपने छोटे साहब ने वहां फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। बस बस बहुत हुआ। और रोती है तो उसे हमारे समाज में पसंद नहीं करते। मेरे नाना ऐसा कहते थे, मेरा बाप भी कहता था, रिश्तेदार भी ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ और है। चलो रे, मुझे नीचे उतारो। इतनी सुंदर लड़की के लिए तो मुर्दा भी उठ खड़ा हो जाएगा। ये क्या कर रही? उनसे शर्मा रही हो? ए, चलो अपनी आंखें बंद करो। तुम मेरे बिना इतना उदास हो जाती हो, अब मैं पास आ रहा हूँ तो इतना दूर भाग रही हो। आ जाओ मेरी बाहों में। Thank you.
इसको मारने से क्या होगा? ये दोनों गांव जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। अरे अरे मर गया, बर्बाद हो गया। अरे मैं तो लूट गया साहब, मैं क्या करूं? अरे मेरी जिंदगी बेकार हो गई। कौन है ये? अपने गांव का ही है। जाओ देखो उसे क्या हुआ है। क्या हुआ तेरे को? मेरा कुछ कीमती सामान गुम गया साहब। हाँ बोल, क्या गुम गया तेरा? चावल, दाल, इमली, नमक, शक्कर सब गुम गया। कौन सी दुकान में गुम गया? मेरे घर से गुमा है साहब। सब अच्छी तरह देखा था ना? मैंने अपनी इन दोनों आँखों से देखा हो। क्या? मेरी खुद की दोनों आँखों से देखा साहब। हट साहब जी। अब सुन, सामान चाहिए ना? सुन, पहले अपनी इन दोनों आँखों का चेकअप करा और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, फिर घर जाकर अच्छे से देखना और फिर मुझे बताना। बड़े साहब मुंबई गए हैं, अब तू जा। साहब सुनिए तो मेरी बात। हट। कई सालों से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। कब घुमा था? बहुत साल हो गए, थोड़ा ही मिला था। फिर और नहीं लिया क्या? लेने वाला था लेकिन कोई उधार देता ही नहीं। उधारी चाहिए तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। पुलिस? तभी तो तेरे को उधारी मिलेगा। मेरी बातों पर तेरे को हंसी आती है? आप पे नहीं हंस रहा, मुझे बीमारी है हंसने की। तो यहाँ क्यों आया? डॉक्टर के पास जा। मेरा खाने का सामान जो खो गया उसको तो ढूंढवा दो साहब, फिर मैं डॉक्टर के पास भी चला। अरे यार ये आदमी का मैं क्या करूँ। हे भगवान। कौन है ये? कोई बड़ा आदमी नहीं है सर, अपने गांव वाला है। ये आदमी पहले मंदिर में ढोल बजाता था सर, उसके घर में कुछ सामान गुम हो गया है वही बोल रहा है। थोड़ा दिमाग से पागल है सर, मंदिर जब से बंद हुआ है तब से ऐसा कर रहा है सर। पागल है ये? हाँ सर, आप ये समझा दीजिए सर, ठीक हो जाएगा ये। देखिए सर पागल है। तू पागल है? मैं पागल नहीं हूँ, चल हट इधर से। शाम जी, पूरे साल का खाना उस मंदिर से मुझे मिलता था और कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन जब से ये पूजा पाठ बंद हुई है मैं गरीब मर गया हूँ साहब जी। कृपया करके साहब, इस साल तो उम्मीद रख सकता हूँ ना कि आप कैसे भी खुलवा देंगे मंदिर के द्वार। हाँ भाई खुलेगा। सच बोल रहे? अवश्य खुलेगा। अगर आज तुम एक पुलिस अफसर बनकर आते ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करता।
और उस दिन जिस वजह से तुमने अपनी बेटी को पीटा था ना, अगर गलती से तुम मेरे घर में आ जाते ना, तो मैं घर में बैठकर बात करना तो दूर तुम्हें घर में घुसने तक नहीं देता, समझे तुम? तुम इस गांव के एक अच्छे इंसान हो, गांव के बारे में अच्छा सोचते हो, मिलनसार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बैठा कर तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हो तो प्लीज मत करना, इसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कॉफी नहीं चाहिए भैया? ले लीजिए ना। ले लो भाई, प्लीज ले लो। अच्छा एक बात पूछूं? क्या? इस तरह मंदिर बंद करना, पूजा पाठ रोकना, ये सब क्यों किया आपने? इसके पीछे कोई राज है क्या? आ गया ना अपने औकात पर। मैं भी तब से सोच रहा हूँ, ये बात अभी तक क्यों नहीं पूछा? अगर पूरा हक आपको दे दे तो? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, वे लोग सब मान गए हैं। हे, क्या हो रहे इनको? कल रात को ज्यादा पी लिया था क्या? हाँ पता नहीं, शायद। हाँ हाँ सही में वो लोग मान गए हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्या मुरली? हाँ बिल्कुल सही। सही में क्या? लेकिन ये सच है। अच्छा, उनका बस यही कहना है कि अगर उन्हें भी कोई काम मिल जाए करने को तो उनकी भी इज्जत रह जाएगी। वो कैसे? अगर दोनों तरफ से माला पहनाई जाए तो दोनों की इज्जत रह जाएगी। दोनों तरफ से? ये आदमी बहुत चालू है, उसके बातों में मत आइए। ये तो ठीक है, पर माला कौन चढ़ाएगा, हम लोग या वो लोग? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर पुलिस के साथ मिलकर पूरी इज्जत के साथ दोनों तरफ से एक साथ माला पहनाई जाए तो कैसा रहेगा? पुलिस रह के क्या उखाड़ लेगा? कौन है लड़की? हे चुप रह। पिताजी ये सब कब तक करते रहेंगे हम लोग? आखिर लड़ाई करने से क्या फायदा है? चलो ऐसे भी जी के देख लेते हैं, आप क्या कहते हैं? दूसरा कोई बोलता तो नहीं मानते, पर अपने साहब है ना तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद सब सही हो रहा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। मैं चुप हूँ। क्या सोचा आपने? हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, माला तो हम दोनों की होगी, पर माता पर साड़ी किसकी चढ़ेगी? हम लोगों की साड़ी चढ़ेगी या फिर उन लोगों की साड़ी चढ़ेगी? हमारे साहब ने शेर की तरह आपके सामने पॉइंट रखा है, मेरे मालिक के लिए सबसे पहले मान सम्मान मर्यादा सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में सब कुछ आता है। क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, उसने अगर ये कहा है कि उस मंदिर में पूरा हक मेरा ही होगा तो मैं तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो? सर क्या हो गया, आप चुपचाप बैठे हैं, अपना दिमाग तो चलाइए, है ना? चलाइए सर। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, दोनों एक ही समय में माला डालेंगे एक साथ, ठीक है? चलो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर साड़ी किस तरफ से होगी? फिर उस साड़ी को लेकर के तमाशा होगा और उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ तुम्हें तो हम बेवकूफ लगते हैं ना। मैं चुप हूँ। क्यों, आपको मुझे भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप पे भरोसा है तभी तो इतनी बात की हमने, अब जैसा आपने बोला है वैसे करना, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मंदिर में रस्सी कौन बांधेगा? क्यों, इससे पहले रस्सी कौन बांधता था? पिछले 10 सालों से इस मंदिर में मैं ही तो रस्सी बांधते आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। ये दोनों गांव को एक करके माँ के मंदिर में पूजा करवा के क्या दोनों खुश रहेंगे ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो इस गाँव में कुछ नहीं होने वाला है, जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ये क्या बात है, कितने सालों बाद जब दोनों एक होने जा रहे हैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, विघ्न क्यों डाल रहे हैं आप? हमें आपकी मदद चाहिए। जाइए यहाँ से। दोनों गांव एक हो जाए तुम्हें पसंद नहीं है क्या? माँ की मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा क्या? जो कुछ बंद हो गया था वो सब फिर से शुरू होने जा रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? बोलो, चुप क्यों तुम, बोलते क्यों नहीं, बोलो। ये देखा आपने, यही वो कारण है, उस दिन जब तुम आए थे मैंने पूरी बात नहीं बताई। अब सुनो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मेरा दाना, अरे छोड़ो मेरा दाना।
आपको मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार गांव की मंदिर की पूजा मैं करूंगा। मत करो। क्यों? पूजा करने के लिए आप जैसे पुजारी का होना बहुत जरूरी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो फिर ठीक है। ये जो तुम करने जा रहे हो ना, ये मामूली बात नहीं है। जब दो गांव एक हो रहे हैं तो इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है? वो दोनों एक साथ मिलकर माला पहनाने को तैयार हैं। इन पर विश्वास मत करो। अगर माँ की पूजा जरा भी अधूरी रही तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, माँ क्रोधित हो जाएगी। भरोसा रखिए, पूजा की शुरुआत कैसे होगी ये मुझे बताइए। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं तुम्हें नियम बताता हूँ, चलो आओ। मुरली। यस सर। एक फायर कर। इस कबूतर ने दोनों गांव एक करने के लिए अपनी जान दे दी, बहुत अच्छा किया। चलो आओ। चलो ठीक है, सब ठीक हुआ, लेकिन अब साड़ी कौन पहनाएगा? इसका फैसला कौन करेगा, इनकी साड़ी या उनकी साड़ी? दोनों की साड़ी दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। उसका क्या करेंगे? पहले दीजिए, इधर लाइए। ठीक लग रहा है, इधर भी इधर भी, बस दोनों तरफ के लिए चले। हाय जय मां। भाई साहब रुकिए जरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी साड़ी ऊपर रहेगी, बस इतना ही बात आपको कहना था, इसलिए रुकाया। रुक जाओ। अब क्या हुआ? एक साथ साड़ी को चढ़ाने से अच्छा है पहले हमारे साड़ी चढ़ा दे। बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तुम्हारी साड़ी नहीं, हमारी साड़ी ऊपर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए साड़ी तो हमारी ऊपर रहेगी। ए, कहां से बेकार साड़ी को उठाकर ले आए? साड़ी हमारी अच्छी है, हमारी ऊपर रहेगी। ए, तू ये क्या बोल रहा है, तेरे को बिल्कुल भी नहीं पता
तुम्हारी साड़ी बेकार होगी, हमारी नहीं, समझा ना? हमारी साड़ी ऊपर रहेगी। अच्छा, तेरा मतलब हमारी साड़ी बेकार है? इसमें कोई तुम्हें शक लगता है क्या? चलो अब तो इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए, तू क्या बोल रहा है? ये परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू की थी, इसलिए हमारी साड़ी सामने रहेगी, समझे तुम? पापा, तू बीच में मत बोल। है, ये परंपरा मैं टूटने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। तू क्या समझे थे कि मैं अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा? तुम ज्यादा मत बोलो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। तुम चुप रहो। अगर आज हमारी साड़ी यहाँ नहीं चढ़ी तो आज यहाँ पूजा नहीं, कुछ और होगा। देवी माता पे साड़ी चढ़ेगी तो हमारी चढ़ेगी, वरना नहीं चढ़ेगी। सुन लो तुम, अगर हमारी साड़ी नहीं चढ़ी तो किसी की साड़ी नहीं चढ़ेगी। भैया पहले मेरी बात तो सुनिए। चुप रहिए आप, हमेशा का नाटक है इनका। आप जाके उनको समझाइए, अगर वो नहीं समझा तो मैं उसे समझाऊंगा। मेरा समझाना बहुत भारी पड़ेगा उसको। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ इधर से, जाओ। सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? तुम लोग जाओ। सुनिए, क्या कर रहे? रुक जाओ। जाइए, सुनिए। क्या करता है तू? ये लक्ष्मी, छोटी छोटी अखियों में दिन बीते खुशियों में मन में उमंग
में तो बहुत बड़ी कोई महारानी लगती है। जरूर माता का आशीर्वाद होगा इस पर। दूधी तो है नीचे। भैया और कितने दिन ये सब मारपीट चलेगी? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बेचारे पुलिस वाले की पत्नी मर गई। तो चुपचाप अपना काम कर। क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो? देवी माँ आई थी। कौन? देवी माँ कहाँ से आएगी? ये तुम्हारा भ्रम है, भूल जाओ इसे। पापा, पापा, हे माँ सब मंगल करे। माँ उस दिन मैंने आपको समझाया था ना, माता की पूजा अगर अधूरी रही तो माता जी नाराज हो जाएंगी। अंकल मेरे पापा को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं अपने पापा को नहीं गंवाना चाहती। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा? आप कुछ तो उपाय बताइए अंकल। अब तो सिर्फ एक ही उपाय रह गया है, जब माता इन पे दया करेगी तभी अच्छे हो पाएंगे। माँ दया करे इन पे। और कोई रास्ता है बताइए ना। ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। क्या? तुम्हें इनको अपने साथ किसी दूसरे मंदिर में ले जाकर अभिषेक कराना होगा। यहाँ के लोग तो तुम्हें करने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें दूसरे गाँव जाना पड़ेगा। वहां जाके इन्हें नीम की पत्तियों पर लिटाकर हल्दी के पानी से नहला देना, बस यही एक रास्ता है। बेटी ये क्रिया पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना, तभी माता इन पर अपनी दया बरसाएगी। बड़े साहब घर में हैं क्या? आगे मत बढ़ना। बड़े साहब को माता आई है।
मुरली साहब, आपने वादा किया था आप मेरी शादी में मंगलसूत्र देंगे। हमने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप नहीं आए, इसलिए हम खुद यहाँ आ गए। साहब को भी दूसरे गांव जाना है, वहाँ जाके इनका अभिषेक होगा, वहाँ जाने के बाद ये पूरी तरह ठीक हो पाएंगे। ठीक है सर, आप जाइए, हम आपका ठीक होने तक इंतजार करेंगे सर। तब तक हम शादी नहीं करेंगे सर। नहीं सर, हम लोग तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आप जो मंगलसूत्र देंगे मैं उसे ही पहनूंगी। हम इंतजार करेंगे जब तक आप ठीक ना हो जाएं। उस मंगलसूत्र में आपका आशीर्वाद होगा, मैं वही मंगलसूत्र पहनना चाहूंगी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अब तुम जाओ, इनको आराम करने दो। मंदिर में तो जा सकते हैं ना? हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन मैं मंडप को मंदिर बना दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा हम लोग चलते हैं। नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं? मैं तुम्हें गांव छोड़कर नहीं जाने दूंगी, और वो भी ऐसी हालत में। क्यों? मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, भगवान के लिए हमें मत रोको। मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगी। वो तुम्हारे पापा है ना, तो मेरे भाई भी है, मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। हम सब मिलकर उनका इलाज करेंगे। मैं भी तो उनकी बेटी की तरह हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम्हें कोई चिंता है? हम सबको यहाँ पर बहुत चिंता है। सही कह रही है, तुम मेरे घर की बहू हो, तुम मेरी इज्जत हो, तुम अपने बीमार पिता को ऐसे अकेले लेकर नहीं जा सकती हो। हम सब मिलकर मंदिर में तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। बस करो आप लोग, हम किसी भी हालत में अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मैं इन्हें दूसरे मंदिर में ले जाऊंगी और इनका इलाज करवाऊंगी। भगवान के लिए हमें जाने दो, जाने दो हमें, अब हम और नहीं रुक सकते। तुम जो कह रही हो सच कह रही हो बेटी, मगर हम सब मिलके मंदिर में पूजा करेंगे बेटी, और इन्हें ठीक करेंगे। हम सब है ना तुम्हारे साथ। और फिर तुम लोगों के घर वाले फिर झगड़ा करेंगे, सब मरेंगे, और मैं नहीं चाहती हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो। ये जो मंगलसूत्र है वो तुम्हारी माँ ने दिया था मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मंगलसूत्र छूट जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हारी माँ की बेटी जैसी ही हूँ, तुम्हारी बहन हूँ मैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
सही कह रही है ये, तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो, हम तुम्हें ऐसे अकेले तकलीफ में जाने नहीं दे सकते। मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ कि हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। एक आदमी की पूजा करने से ज्यादा शक्ति एक औरत की पूजा में होती है। तुम पूजा करो, हम सब साथ हैं, ये सोचने का वक्त नहीं है, चलो चल के पूजा की तैयारी करते हैं। तुम इन्हें यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकती, इनकी जिम्मेदारी हम सब पर है। जो हमारे गांव के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, तो क्या हम उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना क्यों सोच रही हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। ए चलो रे, चलो सब चलो आओ, क्या सोच रही हो? दुख में हो सुख में हो हर क्षण में हो तुम ही हो। आदि तुम अनादि तुम जोगी तुम शक्तिदायिनी रुद्रानी।
क्या समझा था मुझे कि मैंने चूड़ियां पहनी और उसको मेरी नजर के सामने तूने माला चढ़ाई, मेरा अपमान करती है तू, हैं? मेरा अपमान करती है। इतनी हिम्मत है तेरा? इतनी हिम्मत है तू आके इधर पूजा कर रही है? तेरा इतनी हिम्मत है? मानते हो माता को और औरत जात को इस तरह मार रहे हो तुम लोग, मंदिर होते हुए भी उसे नहीं मानते हो, उसकी पूजा नहीं करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मर समझते हो अपने आप को? जब जब इस मंदिर में पूजा हुई तब तक तुम लोगों ने यहाँ पर नाटक किया। तुम लोगों को एक करने को मैंने सोचा, मेरी ये गलती है ना, मैंने अपनी घरवाली को खो दिया। अच्छा होता कि मुझे भी तुम लोग मार देते। क्यों नहीं मारते? आओ मार दो मुझे। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, एक साधारण आदमी हूँ। तुम लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना चाहता था, तुम लोगों को एक करना चाहता था। क्या यही काम होता है एक पुलिस वाले का? मैं यहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं निभाता रहा, तुम लोगों की भी दुख सुख की चिंता की, तुम लोगों को अपना समझा, तुम सबको एक करना चाहा, मगर तुम लोगों ने क्या किया? क्या सिला दिया? ये मेरी घर वाली को मार दिया। ये सब होने के बाद भी तुम लोगों का मन नहीं भरा ना? तुम सबकी बात मैंने नहीं मानी और मैंने पूजा की ना? तुम लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है? तो ठीक है, मुझे भी मार डालो, तब शायद तुम लोगों को शांति मिले। मैं कोई बड़ा आदमी या महात्मा नहीं हूं, मैं भी एक तुम्हारे जैसा ही किसी गरीब परिवार का एक साधारण गरीब आदमी हूं। लेकिन मैं हार गया और मैं अपनी हार भी मान गया हूं। मैं हार गया इसका मतलब तुम लोग ये मत समझना कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी लक्ष्मी, मैंने अपनी पत्नी को तुम सबको एक करने के लिए इसी भगवान के सामने हमेशा के लिए खो दिया है। अरे तुम लोग कितने बेरहम हो! इतना सब होने के बाद भी अगर तुम लोगों का जी नहीं भरा तो मैं अपनी बेटी को भी मार देता हूँ, तब शायद तुम लोगों को तसल्ली मिले। अगर इसके बाद भी तुम सबको लड़ना है तो लड़ो, आपस में लड़ो, जो मन में आए करो। के पूर्ण हक के लिए हम दोनों ने गांव के लोगों को मार डाला। इस गांव की अंतिम मर्यादा के लिए भी हम लोग लायक नहीं है, नहीं है लायक। इस गांव को जिंदगी दी है आपने, अब आपको माता की पूजा का पूरा हक मिलना चाहिए। इंसान को इंसान से क्या हक मिलना चाहिए? अधिकार किसी से मांगा नहीं जाता बल्कि खुद मिल जाता है। आज से माता जी की पूजा करने का अधिकार हम सबको है। अच्छा हुआ,
अगर हम एक सेकंड भी लेट पहुंचते तो आप मेरी बहू को मार देते। ठीक कहा ना मैंने? अब जाके आशीर्वाद लो। इधर आओ। रो मत बेटी, माँ हमारे साथ है। ए, अब हम दोनों तो एक हो गए हैं, अब पागलों जैसे क्यों हंस रहा है? पागल कहीं का? अरे मैं पागल नहीं हूँ। तुम दोनों को सुधारने के लिए मेरा ये एक अच्छा आइडिया था। ठीक है, फिर अभी क्यों हंसी आई तुमको? उधर देखो उधर। अरे मुरली। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है सर, हवलदार से मुझे सीधा इंस्पेक्टर बना दिया और उन्होंने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और न बताया सर, और सीधा मेरा ट्रांसफर कर दिया पता नहीं कौन से धर्मपुर गांव में। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ से हर हफ्ते आप लोगों से मिलने आया करूँगा। अब तो मेरे पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। सर वो एक बात कहूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को एक साथ देखते हुए। इसी बात पर हमको आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। तू तो बड़ा होशियार है, जहाँ रहना अच्छे से रहना। आपकी दया से। नहीं नहीं, मैंने कमीशन लेना छोड़ दिया सर। अरे रख लिया। आप हमें आज्ञा दीजिए।